Hello everyone and welcome again. Salam, namaste, sant sri akal, ja bien. Main hu Mahleech aur aap mujhe dekh rahe hain mere YouTube ke channel pe and Facebook also welcome whenever you guys join. I hope ki meri stream thodi behtar chal rahi ho ab aur इंटरनेट का ज्यादा इश्यू ना आए. मैंने रिबूट तो कर लिया था मगर आई हैव नो आइडिया कि चल रही है कि नहीं चल रही है. होपफुली दिस इज वर्किंग एंड होपफुली वी विल बी एबल टू स्क्रीन शेयर एंड एवरीथिंग. ओके सो आई एम गोइंग टू गिव फ्यू मिनट्स. मैं 2-3 मिनट देती हूँ जब तक लोग आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. मैं ये चेक कर लूँ. लेट मी जस्ट चेक दिस. We are live, yay! Okay, ये बंद कर दिया जाए. There we go. Mohammad Akhtar is here. Hello, Hira Sarkar. Hi, hello. Why? Zainia, can you go upstairs? I can hear your show. Oh, we are live. Hi, Facebook. Welcome back. Welcome back. Something is playing. What is playing here? Ye kya chal raha hai? Okay, piche. I was like, I don't even hear anything, so I don't know what is playing in the background. Mujhe samajh bhi nahi aa raha tha ki kya chal raha hai piche. Why is this playing here? Okay. So, guys, kya haal hai? Welcome back. Welcome back. We're to watch you, babe. Ooh la la. Beautiful, sexy goddess. Thank you. Thank you. Malala pe. Okay. आपको पता है कि मैं औरतों के हकूक में बात करती हूँ. Hi Nipun ji, welcome back again. जी welcome back. मुझे थोड़ी सी break लेनी पड़ी थी guys, थोड़ी सी you know. और फिर वापस. किस किस ने देखा कि मलाला के साथ क्या हुआ या मलाला की न्यूज किस किस ने देखी है? फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, किस किस ने देखी? पाकिस्तानी तो पागल हो गए. हाय वनीता जी, हाउ आर यू? फेसबुक वालों जल्दी जल्दी से शेयर करो, जल्दी जल्दी से शेयर करें. अभी हम मलाला की बातें करेंगे, चटपटी मलाला की. जो कंस्पिरेसी थियोरी है ना कि मलाला जो है वो भी यहूदी साजिश है मलाला की. और I did great makeup and acting too. Yay! Hi. Thank you, Paul. Thank you, thank you, thank you. There was nothing wrong. अच्छा लगा कि नहीं, नथिंग रॉन्ग. अगर आपने नहीं देखा है तो YouTube पे आ जाओ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मलाला ने क्या बोला. कल मैंने उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा. अगर आप नहीं जानते हो कि मलाला कौन है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देती हूँ कि मलाला जो थी वो पाकिस्तान से है. वो पख्तून एरियाज में रहती थी और वो औरतों यानी लड़कियों के लिए छुट्टी थी. जब 15 साल की थी आई थिंक, तो उसने आवाज उठाई थी कि औरतों को या लड़कियों को पढ़ने की इजाजत देनी चाहिए एंड स्टफ. तो मगर तालिबान ने उसको गोली मार दी थी. मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ. तालिबान ने उसको गोली मारी मगर उसको फिर वहां से लेके गए UK, वहां पर उसका इलाज किया. तो वो तब से वहीं रह रही है और वो पाकिस्तान भी आई है. तो शी हैज बिन यानी एक लड़कियों के लिए, औरतों के लिए एक आवाज बन के उसने लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज उठाई है और वो प्रमोट भी करती है. और उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एक मलाला के नाम से, जो चैरिटी है या फंड्स जिसपे इकट्ठी करती है टू वर्क ऑन दिस वुमेन्स एजुकेशन, राइट. उसको नोबेल प्राइज भी मिला है और वो यंगेस्ट लड़की जिसको नोबेल प्राइज मिला है और पाकिस्तान की पहली औरत है, लड़की है जिसको मिला है. तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत फख्र की बात है कि ऐसी कोई औरत है, लड़की है जिसको ये चीज मिली है, इतना बड़ा एजाज, यू नो. तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रही थी उसके बारे में कि मलाला है कौन, तो आपको पता चल जाए. तो वो ओपरा से भी मिली है, तो वो ओबामा से भी मिली है, वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिली है, बहुत सारे लोगों से मिली है, यू नो. Bullet made a great impact that catalyzed her brain chemistry after Nobel Prize. So, अभी हम इस चीज पे बात करेंगे, okay? तो मैंने उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा. अब क्या हुआ क्या है कि मलाला जो है वो लंदन या बर्मिंगम में रह रही है, राइट. तो वो वहां पर ऑक्सफोर्ड में पढ़ी उसने, वहां पर यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एडमिशन लिया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिया उसने. अब जो है जो यूके का वोग मैगजीन है, वोग मैगजीन इज अ ह्यूज नेम, बहुत बड़ा मैगजीन है. वो
आप यूएस में ले लो, एक यूएस का वर्जन है और एक यूके का वर्जन है. तो ये वाला जो मैगजीन है ये है यूके का मैगजीन, एंड आई विल शो यू के वो मैं लिंक यहाँ पर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगी और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. अगर आप यू नो सब चलो हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो मैं जरा सा आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ. भड़वी, हाँ बस तुम लोग यहीं पे रहना, बस वो बंदी नोबेल प्राइज जीत रही है तो तुम लोग यहाँ पे भड़वी रंडी है. ए, 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 हमारी चुत्ताड़े चुत्तड़े की शक्ल देखो, हम आ गए यहाँ पर बोलने. मलाला फायर ही प्लेड विद अटैक ऑन मलाला वेरी ब्यूटिफुली. आते हैं अभी इन सब चीजों पे आते हैं, पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा आर्टिकल दिखाना चाह रही हूँ इनका. लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू माय स्क्रीन. ओके सो ये है वो, दिस इज द आर्टिकल. अगर आपने नहीं देखा है तो ये वो कि अगर आप जाओगे गूगल पे जाओगे और इफ यू टाइप दिस, सो आई मीन द पिक्चर्स जो उसकी तस्वीरें आई हैं खूबसूरत, लाइक दे आर ब्यूटिफुल. यू नो मैंने उसकी तस्वीरें देख रही थी, ब्यूटिफुल फोटोग्राफी, ब्यूटिफुल फोटोग्राफी. मैंने इसका पूरा ये पढ़ा भी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़े से जो बुलेट पॉइंट. अब मलाला जो है वो 23 ईयर ओल्ड है, यानी आई थिंक शी हैज फिनिश्ड हर यूनिवर्सिटी. सो मैंने थोड़े से नोट्स बनाए इस पे, राइट. और चंद चीजों पे मैं बात करना चाहती हूँ. तो मलाला एक ऐसे एटमोसफेयर में रहती थी जहां पर लड़कियों को स्कूल भी जाने की इजाजत नहीं थी, बाकी चीजें तो आप छोड़ो, वहां पे एजुकेशन की ही इजाजत नहीं है आपको. और फिर उसको एकदम से उठाकर, वो 15 साल की बंदी को उठाकर ले जाते हैं बर्मिंगहम में जहां पर फुल आजादी है, फुल एवरीथिंग, राइट. फिर 17 साल की जब ये होती है तो इसको फिर नोबेल प्राइज जो है वो मिला. इसने ये जो, अब मैं किस तरह से बोलूँ इसको, जब इसने ये जो पहना है दुपट्टा, ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्लासी तस्वीरें. मेरे ख्याल से तो मोमिनों को तो इस तस्वीर से प्रॉब्लम होगी कि देखो इसका पाँव भी क्यों दिख रहा है. वैसे तो अभी इस पे पाँव पे कुछ नहीं बोल दिया, हाय देखो देखो उसका पाँव दिख रहा है, देखो देखो पाँव दिख रहा है, पाँव दिखा रही है, देखो देखो खराब हो गई है. हालांकि उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, राइट. उसने बहुत अच्छी क्लासी तस्वीरें ही हैं इसकी. ये वाला वो के मैगजीन कवर पे जो आया है वो ये इसके सर पे दुपट्टा इसने लिया हुआ है और बड़े अच्छी तस्वीर है. यू नो एक सोफिस्टिकेटेड जिसे कहेंगे ना, बहुत ही अच्छी शरीफ और तहजीब वाली तस्वीर है. मगर मोमिनों को तो वैसे ही प्रॉब्लम है. ये इसकी ओबामा से जब मिली थी तब की तस्वीर है, आप ही देख सकते हैं. मलाला जो है वो पाकिस्तानी औरतों को बहुत अच्छे तरीके से, शरीफ तरीके से, जैसे आप लोग मोमिन चाहते हैं, पूरे कपड़े पहन के सर पे दुपट्टा ओढ़कर वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को. आई थिंक अगर आप उससे प्राउड नहीं फील करते तो आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी. मोमिनों की बात कर रही हूँ मैं जो बहुत इस्लाम इस्लाम कहते हैं ना. तो इसने बहुत अच्छी सेलेक्टिव तस्वीरें हैं, इट इज वेरी गुड, यू नो. मगर फिर इसी के आर्टिकल में अगर आप नीचे जाओ और जरा थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ा नहीं है लोगों ने, अगर पढ़ा नहीं है तो प्लीज जरा पढ़ जरूर लेना. हाय शैम्पी, हाउ आर यू. तो इसका ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर है जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, राइट. ये कहती है वी सिट इन ओके, यहाँ से मलाला ने कहा आई वेयर इट, अपने वो हेड स्कार्फ दुपट्टे के बारे में बात कर रही है, आई वेयर इट मोर व्हेन आई एम आउटसाइड एंड इन पब्लिक. यानी कि मैं अपना दुपट्टा जो है वो जो मैं बाहर पहनती हूँ और पब्लिक में होती हूँ तब पहनती हूँ. शी सेज शी एट होम इट्स फाइन, इफ आई एम विद फ्रेंड्स इट्स फाइन. यानी अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो ठीक है, और घर पे जो है वो सर पे नहीं लेती है. तो वो कहती है कि हेड स्कार्फ जो है इट्स मोर देन हर मुस्लिम फेथ. यानी ये हेड स्कार्फ सिर्फ रिलीजियस नहीं है उसके लिए, ये रिलीजन से ज्यादा मायने रखता है. उसके कहने का मतलब ये है, इट इज अ कल्चर सिंबल फॉर अस पश्तून. मतलब कि ये हमारे जो पश्तून लोग हैं उनका कल्चर है ये, इस तरीके से सर पे दुपट्टा ओढ़ना. दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम. तो ये वो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी नुमाइश करता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा यानी ओरिजिनल मेरा मुल्क कौन सा है, मैं कहाँ से आ रही हूँ. एंड मुस्लिम गर्ल्स और पश्तून गर्ल्स और पाकिस्तानी गर्ल्स, यानी कि मुसलमान लड़कियां या पश्तून लड़कियां या पाकिस्तानी लड़कियां, व्हेन वी फॉलो आवर ट्रेडिशनल ड्रेस, जब हम अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं,
we are considered to be oppressed or voiceless or living under patriarchy. जब हम इस तरीके के ड्रेस पहनते हैं तो लोग समझते हैं कि हमारी आवाज रोक रहे हैं लोग, हमारे पास अपनी आवाज नहीं है और हम जो हैं एक जैसे वो कहते हैं ना मर्दों की कंट्रोल जो होता है पेट्रियार्की, मर्दों का कंट्रोल, पेट्रियार्की को क्या बोलेंगे उर्दू में यार, तो उसके अंडर हम रह रहे हैं. तो फिर कहती है कि आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट यू कैन हैव योर ओन वॉइस विद इन योर कल्चर एंड यू कैन हैव इक्वालिटी इन योर कल्चर. तो कह रही है कि मैं ये बताना चाहती हूँ सब लोगों को कि आप सब लोगों की आवाज हो सकती है अपने कल्चर में रहते हुए, और आप सब लोगों को इक्वालिटी, मतलब के इक्वालिटी क्या होगा, इक्वल को क्या बोलेंगे यार उर्दू में, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, इक्वालिटी मिल सकती है अपने कल्चर में, ये वो कहना चाह रही. अब जो लोगों ने जिस बात पे इस पे उधम मचाई है ना, मेरा तो अलग ही है, आए मैं तो लेकर ही कुछ और आ रही हूँ. मलाला ने जो बात मैरिज की बात की उसको तो आप छोड़ो, मर्दाना कमजोरी, हाँ पेट्रियार्कल, ओके. अच्छा अब इस पे बात करें आप, ठीक है. तो मलाला ये कह रही है कि मैंने सर पे दुपट्टा इस वजह से लिया है क्योंकि वो अपनी रिलीजन और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाह रही है, वो ये दिखाना चाह रही है कि वो वहां पश्तून जो है वहां से आई है. तो पहले तो मैं आपको लाइक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता, मैं शायद गलत हो सकती हूँ, इसे मैं जरा गूगल कर लूँ इस चीज को. तो कि पश्तून का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है ना, वो ऐसा तो नहीं है. पश्तून का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो ऐसा नहीं है. पश्तूनों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही. पश्तूनों का ड्रेस जो है वो क्या होता है, मैं घूम क्यों जाती हूँ यार यहाँ पर, ओके शेयर गाइस, जरा मैं थोड़ा सा लो हूँ. हाय डेरिन, हाउ आर यू. ओके ये देखिए पश्तूनों का ड्रेस, अगर आप देखिए तो यहाँ लिखा है अफगान ट्रेडिशनल एथनिक पश्तून ड्रेस. पश्तूनों के ड्रेसेस होते हैं ऐसे, बहुत कलरफुल, उसमें गोटे लगे हुए होते हैं डिजाइन, और ये शीशे लगे हुए होते हैं, और उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं. दिस इज लाइक द ट्रेडिशनल पश्तून ड्रेस, ठीक है ना. ये वीना मलिक ने जो किया था, ये पश्तूनों का ड्रेस ये माना जाता है. बलोचियों का भी इनसे बहुत करीब है, इनके जो ड्रेसेस हैं, ये मैं देख चुकी हूँ कि हमने, मुझे याद है कि पाकिस्तान में हम लोगों ने, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं छोटी सी थी, छठी थी ना, स्कूल में जब जाती थी पाकिस्तान में, तो हमारे स्कूल में से जब पीटीवी वाले आए थे, हमको लेके गए थे पीटीवी पे, हम लोग वो 14 अगस्त पे सारे चार जो है प्रोविंसेस रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो एक पश्तूनों के कॉस्ट्यूम पहना हुआ था उन्होंने, मैंने जो है बलोचियों का कॉस्ट्यूम पहना, सिंधियों का अलग था, पंजाबियों का अलग, कौमी ड्रेस जिसे कहते हैं ना, कौमी ड्रेस जिसे कहते हैं, ये वो कौमी ड्रेस है पश्तूनों का. तो मलाला ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मलाला ने अपने पश्तूनों को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया है, वो अपने पश्तूनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. ये जो सर पे दुपट्टा, और उसने कहा कि ये रिलीजन से ज्यादा है, ओके रिलीजन से ज्यादा, लाइक यू नो वो रिप्रेजेंट करना चाह रही है लड़कियों का. मैं किस तरह, हाउ डू आई पुट दिस, कहना मैं ये चाह रही हूं कि ये प्रोट्रे ये कर रही है मलाला कि मैं अपनी रिलीजन और अपने कल्चर को दिखाने के लिए मैंने ये सर पे दुपट्टा लिया. तो मेरा सवाल मलाला से ये है कि कौन से कल्चर और कौन से रिलीजन की बात कर रही हैं आप, वही कल्चर जिसकी वजह से आपको गोली लगी, या वही थॉट प्रोसेस उस रिलीजन का जिसकी वजह से आपकी जान ली गई, क्योंकि उस रिलीजन और उस कल्चर में औरतों को आजादी नहीं है. आपको ये आजादी इस वजह से है क्योंकि आप अब लंदन में हो, आपका एक नाम बन गया है, आप सिक्योरिटी के साथ घूमती हो, अदरवाइज वही रिलीजन और वही कल्चर वाले लोग आप पर फिर दोबारा से अटैक करेंगे, और वो अभी भी करते हैं, ठीक है. तो डू यू अंडरस्टैंड कि कहां से आ रही है ये चीज, राइट. आप बोल तो यही रही हो कि देखो मैंने दुपट्टा इस वजह से लिया है क्योंकि मैं अपनी रिलीजन
और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, और मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि इस कल्चर और इस रिलीजन में आपको पीस मिल सकती है और आपको इक्वालिटी मिल सकती है, विच इज रॉन्ग, विच इज अ लाई। ये आप झूठ बोल रही हैं लोगों से। आपके पश्तून कल्चर में कोई इक्वालिटी औरतों के लिए नहीं है, आपके पश्तून कल्चर में कोई औरतों की आवाज नहीं है, और आप एक आवाज बन के उभरी हो क्योंकि आप पर ये अटैक हुआ है। तो अब आपको ये मौका मिला है कि आप इस चीज को सही करें, तो आप उस चीज को एक्सप्लॉइट कर रही हो और आप झूठ बोल रही हो लोगों से। आपने अगर दुपट्टा लेना है सर पे, दुपट्टा लो, नो प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिजाब पहनकर भी आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट देती हैं, तो फिर आप गलत बातें कर रही हैं उन औरतों के साथ, जो पश्तून, जो लड़की अभी आपके गांव में रह रही है, जिसको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसको जिसकी आवाज नहीं है, वो तो मलाला को देख के कहेगी कि भाई तेरी तो आवाज है, तो मेरे पास तो कोई आवाज नहीं, तू क्या बोल रही है कि हमारी ये आवाज और हमारा कल्चर। और आपके कल्चर में बात करें तो कोई आवाज नहीं है। आपको आवाज क्यों मिली है? क्योंकि आप अब जो है एक ब्रिटिश कल्चर में रह रही हैं, जहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तभी तो आपकी आवाज है। आप पाकिस्तान में कर लेती हैं काम, देखते हैं आपको कितनी आवाज मिलती। आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाके कर लेना ये काम, हम देखते हैं आपको कितनी आवाज मिलती है। वहां भी नहीं मिलेगी आपको ये आवाज, क्योंकि आपकी रिलीजन और आपका कल्चर ये इजाजत नहीं देता है कि औरत अपने लिए सोच ले या औरत अपने लिए जो है आवाज उठा ले। सो इट इज वेरी हिपोक्रिटिकल ऑफ हर। अब मैं बताऊं क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मलाला ने प्लीज करना है जो लोग, पाकिस्तानी औरत सिर्फ दुपट्टे में ही अच्छी लगती है, होते हैं लोग, इट्स फाइन, अच्छी लगती है, आपने दुपट्टा पहनना है पहनो, नो प्रॉब्लम। फिर उसने अब क्योंकि वो वेस्ट में रहती है, अब मलाला वेस्ट में पली बढ़ रही है, लाइक टीनेज ईयर्स में आप वेस्ट में चले जाओ तो आप फिर वेस्टर्न ही हो जाते हो, यू नो। और वो ऐसी जगह से आ रही है, खुले दिमाग का उसका बाप, उस खुले दिमाग की वो भी बंदी, तो वो चाह रही है कि मैं, जिसे कहते हैं ना, दो कश्तियों में सवार होना चाह रही है, विच इज नॉट गुड। आप जब एक पाँव आपका इधर है और एक पाँव आपका उधर है, तो आप फिर डूब जाओगे। तो वो चाह रही है कि मैं पाकिस्तान के लोग करती रहूं, क्योंकि मैंने दुपट्टा लिया और उनको ये भी दिखाऊं कि मैं कितनी अच्छी मुसलमान और पाकिस्तानी भी हूँ, और मैं वेस्टर्न लोगों को ये भी दिखाऊं कि मैं यहाँ पे भी कितना वो हो गई हूँ, ठीक है। सो नाउ अ लिटिल बिट हिस्ट्री, के जब आप टीनेज हो, राइट, जैसे वो टीनेजर थी और उसको गोली लगी और उसको उठा के एकदम से यूके में ले आए, ठीक है ना। एक सेकंड में इनका जवाब दू। वॉज अ पाकिस्तानी स्कूल बॉय फ्रॉम खैबर पख्तून हु गेव हिज लाइफ ऑन 6/10/2012 प्रिवेंटिंग अ सुसाइड बॉम्ब फ्रॉम एंटरिंग स्कूल। ओ या, वाओ, एंड वी नेवर हर्ड अबाउट, आई नेवर हर्ड अबाउट इट, यू नो, आई नेवर हर्ड अबाउट इट, बट वो was I talking about, Agrish? What was I talking about? हाँ, तो teenagers, जब आप यहाँ पर हो ना, तो आप अब वो यहाँ पर आ गई है, तो उसको दिख रहा है डिफरेंट माहौल, डिफरेंट चीजें उसको दिख रही हैं कि यहाँ पे लोग ही डिफरेंट रहते हैं, यू नो। आप फ्रेंड्स बनाते हो यूनिवर्सिटी में, अब वो यूनिवर्सिटी में जाकर अकेले रही, डॉर्म में रही, अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रह रही थी ना। जब वो अकेले रहना यूनिवर्सिटी में जाकर अपने आप बलबूते पे, अकेले रहने पे इंसान इतना सीखता है जितना आप किसी अपने माँ बाप के घर में बैठ के कभी नहीं सीखोगे। हमारे पाकिस्तानी में कल्चर में यही है कि बच्चे को अपने घर में ही रखते हैं और वो तब तक रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। तो इस वजह से आपका बेटा या बेटी जो भी है वो इंडिपेंडेंट, जिसे कहते हैं ना, वो अपने बलबूते पे चीजें नहीं सीख सकता है, तो उस तरीके से रखते हैं। जब आप अपने बलबूते पे चीजें सीखते हो और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब आपने दाखिला लिया हुआ, तो चाइनीज भी है, तो वहां काले भी हैं, तो इनका भी कल्चर है, तो उनका भी कल्चर है, तो वो 10,000 कल्चरों से मिल रही है, तो उसका भी दिमाग अभी डिवेलप हो रहा है, उसका दिमाग अभी डिवेलप पूरा हुआ नहीं है, वो शी वॉज डिवेलपिंग एट दैट पॉइंट। अब तो योगी, यू नो, सो स्लोली वो भी देख रही है कि क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द और मुझे किस तरीके से आजादी मिल रही है। दूसरी चीज, जब आप उस एज में होते हो, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखो, मैं खुद भी इस चीज का शिकार हुई हूँ कि जब आप टीन एज ईयर्स में होते हो और आप अगर कोई मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर लो,
एक्टिंग एजेंसी ज्वाइन कर लो, कोई भी आपके साथ आकर ऑर्गेनाइजेशन जब काम करना शुरू करती है तो वो आपको अपने रंग में भिगोएगी। जैसे कि मैंने चंद ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया तो उनका अपना एजेंडा होता है और वो चल बात करें, आपने ऐसे बोलना है, आपने वैसे नहीं बोलना, पीछे से जो लोग बता रहे होते हैं वो करना होता है। और एक 15 साल 17 साल की लड़की जो है उसको सब कुछ नहीं पता होता है कि क्या सही है तो क्या गलत है। वी आर नॉट, आप ये नहीं कह सकते आप फुली अवेयर हो और आप फुली इन कंट्रोल हो, तो शी वॉज नॉट इन कंट्रोल। उसका बाप ज्यादातर कंट्रोल में था और जो पीछे सीन के पीछे जो लोग है ना वो कंट्रोल में थे। और मलाला जो एक ब्रांड नेम जो बन गया है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, राइट। अब मलाला की दोस्ती इसमें ये है, मलाला की दोस्ती किसके साथ है, मलाला किससे मिली है, मलाला मिली है ग्रेटा थंडरबर्ग है, क्या नाम उसका नाम, हाँ ग्रेटा थंडरबर्ग और एक और औरत है, मैं दिखाती हूँ आपको, where is she? दो ऐसी और एक्टिविस्ट्स हैं जो दे आर ऑल्सो यानी अपने टीनेजर्स हैं। और अगर आप ग्रेटा थंडरबर्ग को नहीं जानते हो तो वो बहुत क्लाइमेट और इस पे बहुत बोलती है, लाइक शी वो कुछ ज्यादा ही है, एक नंबर का ड्रामा है वो भी, ग्रेटा थंडबर्ग थनबर्ग। और दूसरी है एमा गोंजालेस, इसका मुझे इतना नहीं, हम एक 21 ईयर ओल्ड है और एक 18 साल की है। तो ये जेनरेशन जी एक्टिविस्ट्स हैं। और अगर आपने नहीं है तो ग्रेटा का उसके पीछे भी लोग हैं, ये सारी लड़कियां हैं जिनके पीछे लोग हैं, ओके। और वो लोग अपने फायदे के लिए इनको चलाते हैं, अपने एजेंडा के लिए चला रहे हैं, और वो सारी की सारी जो है लेफ्टिस्ट एजेंडा है इनका मोस्टली। सो मलाला चाह ये रही है कि वो दोनों कश्तियों में सवार रहे, वो चाहती है कि ये मोमिनीन जो हैं जो बहुत ही मुसलमान लोग हैं वो भी उसको पसंद करें और जो वेस्टर्न और थोड़े लोग हैं वो भी उसको पसंद करें। आई थिंक अगर मलाला सिंबल आके अपने के ये चीजें नहीं बोलती कि मेरा कल्चर है रिलीजन है, क्योंकि ये आपका कल्चर और रिलीजन नहीं है, पहली बात तो आपके कल्चर का आउटफिट, आपका कल्चर और आपकी रिलीजन आपको ये राइट्स और वॉइस नहीं देते हैं, आपकी वॉइस इस वजह से है क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो और आप एक एक्चुअली नॉन मुस्लिम कंट्री में हो। अगर आप किसी मुसलमान कंट्री में होकर ऐसी बातें कर रही होती तो आपका कुछ और ही हाल होता, जैसे हुआ था आपका हाल, जैसे हुआ था आपके साथ। सो दैट इज वॉट इज दैट गिव्स यू, ओके। थनबर्ग थंडरबर्ड। बैक टू किस पॉइंट पे मैं बात करनी थी, अच्छा ओके। सो इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू में ये लिखा है कि मलाला जो है उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि जैसे वो एक नॉर्मल टीनेजर है, जैसे कोई भी वेस्टर्नर टीनेजर होगा वो अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर की तरह गुजारती है, विच इज इम्पॉसिबल। जब आपके ऊपर इतना फेम हो, हर कोई आपको जानता हो, आप नोबेल प्राइज पीस विनर हो, तो आप कैसे एक नॉर्मल जो है टीनेजर गुजार सकते हो, ये बात ही वो है। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि हलाला कह रही हूँ, सॉरी गाइस, कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन। सो मलाला जो है वो जमैकन खाने खाती है, जमैकन टेक अवे फूड लेके जाती है, तो मेरा क्वेश्चन दोबारा से आता है कि मलाला जी वो हलाल होता है या वो झटके का जो होता है जमैकन, क्योंकि जमैकन होते नहीं है, अनलेस कि जमैकन भी हलाल फूड पाकिस्तानियों ने बना लिया हो तो अलग बात है, मगर हलाल होता है कि वो नहीं, हलाला होता है। मलाला जी कौन सा जमैकन फूड आप खाती हैं जो या नॉन हलाल होता है, क्योंकि आपके मोमिनीन जिनके लिए आप दुपट्टा और अपना रिलीजन और कल्चर कायम रखना चाह रही हैं वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, उनसे पहले मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, ठीक है ना। फिर उसमें अब अच्छा मलाला का फ्यूचर, अब उससे पूछा ना कि आप क्या करना चाह रही हो, तो उसने अगर आपको नहीं पता है तो भाई मलाला के बड़े ड्रीम्स हैं, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, यानी जिस तरीके से बंदी जा रही है बहुत अच्छा है इसके लिए, मैं तो आई एम वेरी प्राउड, यू नो। तो इसको शौक है टीवी का, वो कहती थी मेरा टीवी देखने का बड़ा शौक था बचपन से, वो टीवी देखती थी, एंड आई वॉन्ट टू डायरेक्ट स्टफ। तो अभी इसका जो है एप्पल के साथ एक डील हुई है जिसमें ये कोई शो स्टार्ट करेगी, आई डोंट नो कि वो क्या शो स्टार्ट करने वाली है, वो शो स्टार्ट करने वाली कोई कॉमेडी शो होगा या गाने होंगे या कोई ड्रामा होगा, आई डोंट नो कि वो मलाला क्या शुरू करने वाली है, मगर उसका एक जो है एप्पल के साथ डील हो चुकी है, एंड वी विल सी इन द फ्यूचर कि मलाला डायरेक्ट करना चाहती है और वो क्या डायरेक्ट करेगी। मगर
उसने ये कहा था कि इमेजिन करो कि एक न्यूज में आती है कि साउथ पार्क जो है वो किसी पाकिस्तानी औरत ने डिजाइन किया या उस डायरेक्ट किया। तो मैंने कहा हाँ यार सोचो, साउथ पार्क अगर पता चले किसी पाकिस्तानी लड़की ने वो करा है तो क्या बात है। मगर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कौन सी मूवी आई थी यार जिसके पीछे जो ग्राफिक्स जिसने किए थे वो एक पाकिस्तानी लड़की ही थी। तो हर किसी का नाम तो नहीं निकल सकता ना, हर किसी को गोली थोड़ी लगती है बाप गोली की वजह से, वरना अगर आप भी मेरे खास काम कर रहे तो कोई नहीं पूछ रहा होता। और भी हैं लोग कर रहे हैं ऐसी चीजें, बट haven't even helped his co-Nobel Prize laureate who was fighting for uplifting of poor children. There's a lot of things that she hasn't done. Okay, so फिर वो यही बोलती है ना कि if a woman pushed, so anyways, हाँ देखते हैं हम कि मलाला जी क्या बनाएंगी। इट इज अ वेरी फनी थिंग। तो उनको बिल्कुल ही एक नॉर्मल टीनेजर की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शी इज वेस्टर्न, उसमें आ गई है, यू नो शी इज वेस्ट, शी इज अडॉप्टेड द वेस्ट। ओके तो और उन्होंने फिर हाँ उन्होंने ये भी कहा कि उनको यूनिवर्सिटी में बड़ी चॉइसेस थी और यू नो डिफरेंट चीजों की व्हाटएवर, मगर फिर वही सवाल आ जाता है कि अगर आपका रिलीजन और आपका कल्चर होता तो वो चॉइसेस शायद आपको नहीं मिलती। और फिर एक और बड़े मजे की बात बोली इन्होंने, उन्होंने ये बोला कि मलाला जो है वो ड्रिंकिंग नहीं करती है, शी डजंट ड्रिंक, मगर There's always a मगर, हाय सेक्युलर पाकिस्तान, मगर मलाला जो है वो पब्स जरूर जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको पीते हुए ड्रंक होते हुए देखकर वो बड़ा हंसती हैं और उनको बड़ा मजा आता है इनको देख करके वो कैसे ड्रिंक कर रहे हैं। हा, सो फनी। अब मैं जो हूं ना, मैं पाकिस्तान की दो साइडेड अब मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो लोग हैं अभी, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, जो लास्ट जिसपे पाकिस्तान के लोग आग बगोला हो रहे हैं वो तो मैं भूल ही गई, यानी वो जो से वो ऑनेस्टली मेरे तो ऊपर आई वाज लाइक लीस्ट वरीड अबाउट दैट स्टेटमेंट। मैं तो दूसरे स्टेटमेंट्स के ऊपर ज्यादा मैं परेशान हूँ। ओके सो उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट इसने बोली है जिसपे पागल हो रहे हैं लोग वो ये है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको ट्रांसलेशन के साथ बच्चों। एक सेकेंड, कहाँ गया यार, इतना बड़ा आर्टिकल है, मैंने कल सारी रात बैठ के ही पढ़ा है, कहाँ गया। आई जस्ट थॉट आई एम नेवर गोइंग टू गेट मैरिड, नेवर गोइंग टू हैव किड्स। मैंने ये सोचा था कि मैं मेरी कभी शादी नहीं होगी, कभी मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी, जस्ट गोइंग टू डू माई वर्क, मैं सिर्फ अपना काम करूंगी। नहीं वाला नहीं है, ऊपर ऐसे पहले है ये। मलालाज पेरेंट्स आर एन अरेंज लव मैरिज, दे लुक लाइक ब्ला ब्ला, शी इज श्योर। खुद उसको कहती है कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, I still don't understand why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign papers? मलाला कह रही उसकी समझ में नहीं आता कि लोगों को शादी करने की क्या जरूरत है। आई मीन अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की क्या जरूरत है, वो साथ में क्यों नहीं रह सकते। Why can't it just be a partnership? एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है, एक खरीदारी और फरोख्त क्यों है, राइट सो ये वो स्टेटमेंट है जो मलाला ने बोल दिया। तो बस उसके पीछे जिहादी जो है वो पागल हो गए, बाकी चीजें तो उन्होंने देखी नहीं। अभी तो उन्होंने ये नहीं सुना है जिहादियों ने कि भैया मलाला जो है वो बार में जाके दूसरों को देख ड्रिंक करते हुए देखती है। वैसे मलाला जी आप बार में आप दुपट्टा लेके जाती है सर पे कि नहीं, मेरे को ये बताइए, उस वक्त आपको दुपट्टा सर पे होता है कि नहीं होता। क्वेश्चंस है ना पूछने के, तो क्वेश्चंस है ना, अंटिल यू गोना आस्क आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट आया है मलाला ने कहा कि भाई शादी के लिए जरूरत नहीं है वो नहीं है, तो मलाला जी अगेन दिस इज नॉट योर कल्चर और ये आपकी रिलीजन भी नहीं है। और जो पाकिस्तान में लोग आग बगोला हो रहे हैं वो सही तो हो रहे हैं, अरे भैया ये आपका कल्चर नहीं है, दिस इज नॉट योर कल्चर। पाकिस्तान में जो आग बगोला हो रहे हैं, हाय एक मुसलमान लड़की ने वो भी दुपट्टा पहनी हुई लड़की ने ये बात कैसे कर दी कि आप लिव इन रिलेशनशिप्स में आ जाओ और आपको जरूरी नहीं है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। तो भैया हम लड़कियां खरीदेंगे बेचेंगे कैसे, हम कैसे खरीद फरोख्त करेंगे, लड़कियों की दाम कैसे लगाएंगे। जो लड़कियां हाँ हम शॉपिंगें करते हैं अरेंज मैरिज की, एक घर से दूसरे घर पे जाते हैं शॉपिंग करने, लड़कियों की विंडो शॉपिंग होती है ना, लड़की देखने आ रहे हैं,
अरे इसकी तो ये ऐसी है, अरे इसकी तो वो ऐसी है, नहीं नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसको तो चाय नहीं बनाने आती, ये तो सांवली है, अरे ये तो ऐसी है, नेक्स्ट, और खुद के भैंसों, खुद के मर्दों की शक्ल टट्टे ऐसी होती है, और लड़कियां इनको चाहिए होती हैं एंजेलिना जोली जैसी। ये चीजें नहीं है ना आपके कल्चर में, लाइक आप वो चाहते हैं कि लड़कियों की बोली लगे इसी तरीके से, और लड़कियों को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ बांध दिया जाए, जैसे कि आप किसी की बकरी को खोटे से नहीं बांध देते हो उसके मालिक के साथ, तो बस आपके कल्चर और रिलीजन में सर इतनी ही औकात है औरत की, तो वो आपको उतना ही देंगे ना जितना आपको देने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके अलावा ये भी सुनने में आया था कि मलाला जो है उसने अपनी बुक में सलमान रश्दी को कौन कौन नहीं चाहता, जिन्होंने वो सेटेनिक वर्सेस लिखी थी, उनके बारे में भी जिक्र किया है कि उनको हक होना चाहिए अपनी आजाद राय कहने का, व्हिच आई एग्री विद, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, हर किसी को अपनी आजाद राय देने का हक होना चाहिए, हर मुल्क में होना चाहिए, ठीक है ना। तो सही है कहा। और उसके अलावा उसने उसकी तस्वीरें हैं, क्या नाम था उस बंदी का, सलमा, वो जो बांग्लादेश में सी, उसने भी एक कुछ लिखा था, सलीमा तासीर नाम है, क्या नाम है उसका, सलमान तासीर नहीं, सलमान तासीर के साथ भी उसने कहा कि जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, मगर वो एक और औरत है जो बांग्लादेशी है, उसने भी अगेंस्ट इस्लाम कुछ लिखा था, मुझे प्लीज कोई उसका नाम बताना, कुछ ऐसी है, तो उसके साथ भी उसकी तस्वीरें हैं, मुझे नाम बताए कोई यार जल्दी से, आई नीड टू नो द नेम, द डे व्हेन पाकिस्तानीज वुड कम टू नो अबाउट गंदरव वे ऑफ मैरिज इन हिंदूज दे विल गेट बिग शॉक ऑफ लाइफ टाइम। आई डोंट नो, यू नो व्हाट, मैरिज इज बिटवीन टू पीपल। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। तो एक तरफ तो आप ये सारी चीजें ओपनली वो एक्सेप्ट कर रही हो, इन लोगों के थॉट्स तो बहुत एंटी इस्लाम है, बहुत ही एंटी इस्लाम है, ये तो एक्स एक्स मुसलमान ही है, यू नो सलमान रश्दी इज एक्स मुस्लिम, जब आप उनके थॉट्स के साथ वो कर रही हो मलाला, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये दुपट्टे का ढोंग क्यों है फिर, ये दुपट्टे का ढोंग क्यों है, मुझे एक बात बताइए, दुपट्टे का ढोंग क्यों है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर, आप अभी भी, आपकी दिमाग खुल गया है मगर आपका अभी भी दिमाग वही है ना, इतना ब्रेन वॉश हुआ है कि वो दुपट्टा आपको लगता है कि सिर्फ उस दुपट्टे की वजह से आपकी इज्जत है, और अगर आपने वो दुपट्टा उतार दिया तो आपकी इज्जत नहीं होगी, एंड यू आर ट्राइंग टू प्लीज, आप उन्हीं लोगों को प्लीज करना चाह रही हो जैसे लोगों ने आपको गोली मारी, वही लोग जिनको आप प्लीज कर रही हो इस दुपट्टे की वजह से, वही लोग दोबारा नहीं सोचेंगे आपको गोली मारने पर, जो पहला मौका मिलेगा उनको, वो आपको अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो व्हाई आर यू प्लीजिंग दोस पीपल। फिर आप कह देती हो कि शादी के साथ नहीं बैठ, यानी क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हुई भी है मलाला को, एक तरफ वो एथियस्ट की बातें कर रही है, फिर एक तरफ उसने दुपट्टा लिया हुआ है, तो या तो इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ और ही एजेंडा है, या तो वो जो कंक्लूजन मैंने इससे निकाली है, मुझे लगता है कि जो पूरा लेफ्टिस्ट एजेंडा जो है ना, वो इस्लाम को बड़े, और इनको बड़े सॉफ्ट किस्म का इस्लाम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस्लाम में आप दुपट्टा भी ले सकती हो, आप अपना कल्चर भी रख सकती हो, आप अपना रिलीजन भी रख सकती हो, और आपके पास आवाज भी हो सकती हो, और आपके पास सब कुछ हो सकता है, बहनचोद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मगर वो पुटरे करने की दिमाग में जरूरत हो रही है, और पाकिस्तान में भी लोग यही कह रहे हैं, वैसे मौलाना लोग जो है ना वो गलत नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि इसके पीछे लेफ्टिस्ट का एजेंडा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ इसके पीछे लेफ्टिस्ट का एजेंडा है, इसको यहाँ पे वेस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इसको ये खड़ा किया जा रहा है, शायद मे बी उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई हम थोड़ा सा पाकिस्तान में भी थोड़ा सा चेंज लेकर आए, इट कुड बी दैट डायरेक्शन टू, कि शायद वो दुपट्टा लेकर चाह रही है कि मैं पाकिस्तान में भी थोड़ा सा इन जाहिलों से बात करूं जिनके दिमाग पल्ले कुछ नहीं पड़ती है, मगर फायदा कुछ नहीं है, ऑनेस्टली फायदा कुछ नहीं है, पल्ले उनके वैसे भी नहीं पड़ना है, सो बोथ वेज हम दूसरी दोनों तरफ से देख सकते हैं, यू नो इट्स जस्ट आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज्ड, मगर दिस इज व्हाट आई थॉट अबाउट मलाला और ये जो सारा कुछ हो रहा है, बाकी जो जहाज बोलना ही है ना उनको, ऑफकोर्स भाई मर्दों को इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है, अभी वो एक और कौन है, एक तो मुझे टट्टों के नाम नहीं याद रहते क्योंकि
टट्टा नाम याद है ना, तो बस उसी से मैं इनको बुलाती हूँ। तो सारे मर्द हजरात जो है पाकिस्तान के आ गए, शावीर कुछ नाम है उसका, बहुत कमीना इंसान है। निपुण कह रहे हैं मलाला इज जस्ट बेसिकली मॉडल ऑफ टॉलरेंट इस्लाम क्रिएटेड बाय इस्लाम टू डिस्टिंग्विश गुड बाय मुस्लिम। या दे आर ट्राइंग बट इट्स फेलिंग, लाइक खुद ही सामने आ रहा है, यू नो। सो डू शी रिमूव्स हर दुपट्टा देन शी सर्वाइवर। ओह या दैट इज ट्रू, वो भी है ये भी है। हाँ विक्टिम कैसे खेलेंगे फिर, विक्टिम हुड भी तो खेलना है ना साथ में। हाँ जरूर, ऑफकोर्स।